छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में अध्यापकों की मनमानी चरम पर है। अंदरूनी गांव में इन शिक्षकों को झंडा गुरुजी कहा जाता है। ग्राम पंचायत, कोंगे पांगुर और बिना गुंडा के स्कूल में तो हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि यहां शिक्षक साल में सिर्फ दो दिन ही दर्शन देने आते हैं। ऐसे में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई लिखाई चूल्हे में गई। यहां तो दो साल हो रहा है सर, टीचर आ नहीं रहे। एक बार आते हैं एक साल में, एक बार फिर दोबारा आते नहीं है। इस कारण बच्चे लोग भी ऐसे घूमते रहते हैं सर, बदमाश कभी कभी बन जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा बदमाश हो जाते हैं सर। हम सर बहुत बार हमने मांग किए सर, लेकिन वो सर लोग भी आते नहीं है सर। हम बहुत बार हम फोन वोन करके बुलाते हैं सर, और हम सरकार से नया टीचर की गुजारिश करते हैं सर। हम चाहते हैं कि सर अपने पंचायत से बहुत अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं अनपढ़, उनको भी हम टीचर बनाने के लिए हम चाहते हैं सर। कोंगे पांगूर और बिना गुंडा के टीचर जिला मुख्यालय नारायणपुर में रहते हैं और बगैर ड्यूटी के ही तनख्वाह लेकर मौज कर रहे हैं। आदिवासियों ने शिक्षकों को हटाने की मांग की है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने अब्बू झमाण के आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा देने का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन सरकारी भरोसे पर आदिवासियों को एतबार नहीं ही है। वह इसलिए कि इन गरीब आदिवासियों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो ये बच्चे उच्च शिक्षा कैसे हासिल कर पाएंगे। वो यहाँ टीचर का हम लोग देखते हुए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टीचर एक दिन साल में एक दिन आता है, एक दिन रहता है, चला जाता है, और हम उस मतलब गुरुजी को हम नहीं चाहते हैं। हमको दूसरा गुरुजी यहाँ पर ये स्कूल को नियुक्त करना चाहिए। हमारे यहाँ गांव में देखने से बच्चे लोग ऐसे जितना ही आपका सामने भी है बच्चा, उन लोग ऐसे घूमते रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ स्कूल को देखने से दुख भी लगता है। हमको शिक्षा जरूरी है। पहले तो जैसा भी है हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारा बाल बच्चा तो है, उनको पढ़ना और सीखना जरूरी है। शिक्षक तो अभी यहाँ आने के बाद वो तो शराब पी के घूमता है बस। गुरुजी लोग अगर शराब पी के घूमेगा तो बच्चे लोग कैसे पढ़ेगा। यहाँ तो अभी दो साल हो गया तो गुरुजी दिखता ही नहीं। गुरुजी नहीं है करके रसोई भी नहीं आते हैं ना। गुरुजी रहने से बराबर काम करता, गुरुजी भी नहीं है यहाँ, राशन भी रसोई के लिए नहीं है, तो वो गुरुजी की लाखें नहीं देगा तो कहाँ से बनाएगा। कार्रवाई होनी चाहिए शिक्षक इसका, शिक्षक पर कार्रवाई होना चाहिए। हम यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे गुरुजी को नियुक्त करना चाहिए, ये हम लोग का है। ग्राम पंचायत कोंगे पांगुर और बिना गुंडा के स्कूलों में शिक्षकों के नहीं आने की पुष्टि यहाँ काम करने वाले रसोइयों ने भी किया है। रसोई है सर, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं रसोई काम कर रही हूँ। अगर ना उन लोग मेरे यहाँ सामान नहीं छोड़ देते हैं सर, और उसके बाद मैं वो सामान ला के छोड़ देते तो मैं कानून बना देती थी, लेकिन उन लोग खुद एक साल हो गया नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक बार आ गया तो हमेशा नशा चीज में रहती हैं सर। वो कभी आते आने से भी कुछ स्कूल नहीं लगाते, कुछ नहीं सामान, अभी तक कुछ जितना सामान आ जाता उधर ही सामान को दुबा देते हैं सर। लेकिन अभी तक वो सामान कुछ दाल नहीं है, कुछ तेल नहीं, एक बार भी ला देते नहीं। मैं कैसे बनाऊँगा, तेल अगर सब कुछ रहता तो ना मैं बना के खिला देती। नहीं सर, मेरा एक कहानी सह रहा हूँ मैं, नया गुरुजी कहीं से भी यहाँ नियुक्त करवा दे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगर वो आते ही नहीं, अब भले वो झोला पकड़ के घर में रहने दो, भले ड्यूटी नहीं आ रही। मेरे इतने कहने चाह रहे हूँ सर। बात अध्यापकों की मनमानी की, अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों का भय बताकर अधिकारी जांच करने नहीं जाते हैं।